तो हेलो दोस्तों, आप सभी को स्वागत है आपका अपना चैनल आरके यादव स्टडी ग्रुप में। यदि आप मेरे चैनल पर नहीं फिर है तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन घंटी को प्रेस कर ले ताकि कोई भी न्यू वीडियो अपलोड करूँ तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिले और आप वीडियो को देख सके। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं जो इंडियन नेवी की तरफ से जो MR की वैकेंसी निकल कर आई हुई थी 2021 में, जिसका ऑनलाइन का अप्लाई डेट खत्म हो चुका है, जो कि डेट था लास्ट डेट था फ्रेंड्स 23/7/2021 तक। तो फ्रेंड्स, उसका डेट खत्म हो चुका है। तो फ्रेंड्स, उसके बारे में हम आज बात करने वाले हैं कि उसका स्टेट वाइज कट ऑफ कितना जाएगा। तो फ्रेंड्स, हम आज एनालिसिस किए हैं इसके बारे में कि जो हर स्टेट है उस स्टेट का कट ऑफ क्या रहने वाला है। तो फ्रेंड्स, आपको हम बता दें कि इंडियन नेवी MR जो थी वो ऑफलाइन एग्जाम लास्ट 2018 में ली थी, उसके बाद से CBT कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट लेने लगी है। तो फ्रेंड्स, उसी के अनुसार उसी के आधार पर हम ये कट ऑफ तैयार किए हैं स्टेट वाइज। तो फ्रेंड्स, आज हम आप लोगों को बताने वाले हैं कि हर स्टेट का कट ऑफ कितना तक रहेगा। तो फ्रेंड्स, काफ़ी सारे स्टूडेंट है, काफ़ी सारे कैंडिडेट है जो उन लोगों का कंफ्यूजन होगा कि क्या स्टेट का कट ऑफ रहने वाला है। उन लोगों का फ्रेंड्स कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा कि इस बार कितना कट ऑफ जा सकता है। तो फ्रेंड्स, हम बता दें कि आपको हर स्टेट का हम अपने से कट ऑफ निकाल कर एनालिसिस कर आप लोग के बीच हम लाए हैं, जो कि आप लोग के सामने हम आपको दिखाने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर करें, और यदि आप मेरे चैनल पर व्यूअर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन घंटी को प्रेस कर दे। तो चलिए फ्रेंड्स, हम चलते हैं सीधे आप लोगों को दिखाने स्क्रीन पे। तो फ्रेंड्स, हम आ चुके हैं, आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन पे स्टेट वाइज हम जो कटअप एनालिसिस करके निकाले हुए हैं आप लोगों को सामने फ्रेंड्स है। तो चलिए फ्रेंड्स, हम स्टेट वाइज बात करने वाले हैं और डिस्कस करने वाले हैं कि 2018 में जो इंडियन नेवी MR ने जो लास्ट बार ऑफलाइन एग्जाम ली थी उसके अनुसार इस बार क्या कटअप रहने वाली है, एडमिट कार्ड किन स्टूडेंट का आएगा और किन स्टूडेंट का नहीं आएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले फ्रेंड्स, आप लोगों को यहाँ पे दिख रहा होगा कि नेवी MR एडमिट कार्ड कटअप 2021 अक्टूबर बैच, ठीक है दोस्तों, इस बार का हम बताने वाले हैं। और यहाँ पे दे रहा है फ्रेंड्स, पिछले साल 2018 बैच के कटअप के अनुसार हम फ्रेंड्स ये जो है एनालिसिस कर कटअप तैयार किए हैं। तो दोस्तों, आप लोग को बता दें कि इंडियन नेवी जो MR की जो लास्ट एग्जाम थी ऑफलाइन की 2018 में ली थी, उसके बाद से ऑनलाइन CBT कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होने लगा है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बात यहाँ पे कर लेते हैं हरियाणा की, ठीक है दोस्तों, यहाँ पे हरियाणा की हम बात कर लेते हैं फ्रेंड्स। तो 2018 में जब इंडियन नेवी MR ने जब ऑफलाइन एग्जाम ली थी तो उस टाइम फ्रेंड्स कटअप गया था हरियाणा का 94, ठीक है दोस्तों। तो आप लोग इससे अनुमान लगा सकते हैं कि 2018 में यदि 94 गया था तो 2021 में कितना जा सकता है, क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ पे आप लोगों को हम बता दें कि 18 तीन कितना होता है 21, यानी 3 साल का डिफरेंट पड़ रहा है, अंतर पड़ रहा है। तो दोस्तों, बता दें कि इस बार जो है कटअप ज़्यादा भी रह सकती है, कम भी रह सकती है, क्योंकि फ्रेंड्स इस बार जो है COVID-19 था, ठीक है दोस्तों, कोरोना वायरस के कारण फ्रेंड्स इस बार जो है कितने सारे स्टेट हैं जो अपने जो भी 10वीं क्लास के स्टूडेंट थे उन लोगों का बिना एग्जाम का ही उन लोगों का प्रमोट कर दिया गया, यानी पास करा दिया गया फ्रेंड्स। तो यहाँ पे बता दें कि CBSE बोर्ड वाले भी जितने भी कैंडिडेट हैं उन लोगों का यहाँ पे ज़्यादा फायदा होने वाला है, क्योंकि फ्रेंड्स वहाँ पर उन लोगों का परसेंटेज काफ़ी देखने को मिला है, और वो लोग यदि ई फॉर्म को अप्लाई करेंगे तो फ्रेंड्स हमको देखने में लग रहा है कि यहाँ पे कटअप ज़्यादा जा सकता है, ठीक है दोस्तों। आप लोग ये बात एक समझ लीजिए कि यहाँ पे CBSE बोर्ड वाले जितने भी हैं उन लोगों का भी बिना एग्जाम का ही पास करा दिया गया है। तो दोस्तों, उन लोगों का जो है परसेंटेज काफ़ी अच्छा है हुआ है, और यदि वो लोग फॉर्म अप्लाई करते हैं तो कटअप ज़्यादा भी रह सकती है और कम भी रह सकती है, ठीक है दोस्तों। तो हम इसके बारे में डिस्कस कर लिए, अब बात कर लेते हैं यहाँ पे MP के, मध्य प्रदेश की। तो मध्य प्रदेश के फ्रेंड्स हम आपको बता दें कि 2018 में जो कटअप थी 85 थी, ठीक है दोस्तों। इस बार आप लोग अनुमान लगा सकते हैं कि इस बार कितना रहने वाली है। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को हम बता दें कि 85 प्लस रह सकती है और कम भी, ठीक है दोस्तों, यानी यही दो कम, या दो कम होगा तो 83 जा सकता है और दो ज़्यादा होगा तो 87 तक जा सकते हैं, ठीक है दोस्तों। आप लोग डिमोटिवेट मत होइएगा फ्रेंड्स, हम आप लोगों को बता रहे हैं, ठीक है दोस्तों। आप लोग अंदर से मोटिवेट रहिए कि एडमिट कार्ड जरूर मिला आएगा, ठीक है दोस्तों। आगे हम यहाँ पे बात कर लेते हैं दोस्तों उत्तर प्रदेश की, ठीक है दोस्तों, यहाँ पे हम उत्तर प्रदेश की बात कर लेते हैं। तो जो 2018 में जो एडमिट कार्ड आई थी ऑफलाइन के, उसमें उसका कटअप गया था 90, ठीक है दोस्तों। इस बार आप लोग अनुमान लगा लीजिएगा कि इस बार कितना जाएगा, ठीक है दोस्तों। आज हम आप लोग को बता दें कि 2017 में जो इंडियन नेवी MR ने जो एग्ज़ाम ली थी 2017 में, ठीक है दोस्तों, और 2016 में, ठीक है दोस्तों, तो उस टाइम फ्रेंड्स 72-73 ऐसे करके एडमिट कर रहा था। जिन कैंडिडेट का 72%, 73% था, 75% था,
तो आता था इतना पे कॉल आ जाता था। ठीक है दोस्तों, लेकिन 2018 में क्या हुआ कि काफ़ी आप लोगों का हाईएस्ट कट ऑफ देखने को मिला। ठीक है दोस्तों, उसके बाद से सीबीटी कॉम्पिटिटिव बेस्ड टेस्ट हो गया एग्जाम, उसके बाद इंडिया ने भी चलाने लगी तो सबका कॉल आने लगा 2018 के बाद यानी 19 से। ठीक है दोस्तों, आगे हम बात कर लेते हैं यहाँ पर राजस्थान की। तो राजस्थान की जो कट ऑफ थी 2018 में 94 थी, यहाँ पर आप लोग अनुमान अपना लगा सकते हैं कि कितना जा सकते हैं, 96-95 रह सकता है। ठीक है दोस्तों, आगे देख लेते हैं उत्तराखंड की। यहाँ पर फ्रेंड्स, तो उत्तराखंड का 86 था 2018 में, जो इंडियन नेवी ने ऑफलाइन एग्जाम ली थी उस बार। तो इस बार आप लोग अनुमान लगा सकते हैं कितना रह सकता है, 87-88 तक रह सकता है। ठीक है दोस्तों, हो सकता है कम भी हो सकता है, क्योंकि आप लोग को फ्रेंड्स हम पहले ही बता चुके हैं कि कोविड-19 के कारण कितने सारे स्टेट हैं जो अपने बच्चों को बिना एग्जाम दिलवाए ही वो प्रमोट कराकर सीधे पास करा दिए हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे हम बात कर लेते हैं बिहार की। तो बिहार की जो कट ऑफ 2018 में थी 82 थी। ठीक है दोस्तों, 82 प्लस तो होगा इस बार, तो 82 से अबव जाएगा दोस्तों, यहाँ पर बता दें कि प्लस ही रहने वाला है, यानी 85-86 हो सकता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे कोई अनुमान नहीं लगा सकता फ्रेंड्स, जितने भी YouTube चैनल वाले हैं कोई अनुमान नहीं लगा सकता कि कट ऑफ कितना जा सकता है, क्योंकि फ्रेंड्स हम आप लोगों को साफ साफ बता दें कि इस बार जो इंडियन नेवी जो है वैकेंसी दी है 1785 कैंडिडेट को बुलाएगी। कितना बुलाएगी, तो 1785 कैंडिडेट को बुलाने वाली है दोस्तों। यहाँ पे आप लोग अनुमान लगा सकते हैं और इस बार कितने सारे स्टेट है जो बिना एग्जाम के ही बच्चों को पास कराती है। तो आप लोग समझदार हैं, आप लोग समझ जाएंगे। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे आगे हम बात कर लेते हैं महाराष्ट्र की। आप लोग फ्रेंड्स ये मत समझिएगा कि हम डीमोटिवेट कर रहे हैं, फ्रेंड्स आप लोग मोटिवेट रहिएगा कि एडमिट कार्ड जरूर आएगा। ठीक है दोस्तों, आप लोग तैयारी में लगे रहिए। यहाँ पे बात कर लेते हैं महाराष्ट्र की। तो महाराष्ट्र की कोटा 2018 में 81 थी, इस बार आप लोग अनुमान लगा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, पश्चिम बंगाल की बात कर लेते हैं, तो 72 था, इस बार फ्रेंड्स 80 अबव जा सकता है, इस बार जो है 80 अबव जा सकता है मेरे को देखने से। ठीक है, ठीक है दोस्तों, आप लोग देख लीजिएगा। कर्नाटक का यदि हम बात कर लें तो कर्नाटक का फ्रेंड्स यहाँ पे 82% है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे 85 अबव रह सकता है। ठीक है दोस्तों, गुजरात की बात कर लेते हैं, तो गुजरात का सबसे कम गया था फ्रेंड्स 70, तो इस बार मेरे को देखने से लग रहा है कि 75 प्लस रह सकता है। ठीक है दोस्तों, आगे बात कर लेते हैं ओडिशा का। तो ओडिशा का 82 था। ठीक है दोस्तों, ओडिशा का जो था 82 था 2018 में, तो यहाँ पे आप लोग का 83 या 84 देखने को मिल सकते हैं। आंध्र प्रदेश की बात कर लेते हैं, तो आंध्र प्रदेश का 2018 में 92 था। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग को यहाँ पे इस बार देखने को वही 93-94 तक जा सकते हैं आंध्र प्रदेश की। जम्मू कश्मीर की बात कर लेते हैं, तो 81 था 2018 में, इस बार आप लोग को देखने को मिलेगा 85 के आसपास रह सकते हैं। तो दोस्तों, हम आप लोगों को बता दें कि आप लोग डीमोटिवेट मत होइएगा फ्रेंड्स, आप लोग ये अंदर से अपना हिम्मत मत हटिएगा कि मेरा एडमिट कार्ड नहीं आएगा। एडमिट कार्ड फ्रेंड्स आप लोग को जरूर आएगा, क्या पता इंडिया ने भी कोई न्यू अपडेट ला दे। फ्रेंड्स यहाँ पे जो भी हो रहा है, इंडिया ने भी जो भी कर रही है कोविड-19 के कारण कर रही है। आप लोग ये सीधा सीधा आप लोग ये समझ जाइए कि कोविड-19 के कारण कम बच्चों को बुलाना और शॉर्टलिस्ट तैयार करना इंडिया ने भी की है, ये वो है। तो फ्रेंड्स आप लोग को हम बता दें कि आप लोग के लिए हम ये जो कॉटअप दिखाए हैं ये डिमोटिवेट करने के लिए नहीं बताएं। ठीक है दोस्तों, क्योंकि हम देख रहे हैं कि कितने सारे YouTube चैनल हैं जो वो लोग कॉटअप बता रहे हैं कि इतना कॉटअप जा सकता है। तो फ्रेंड्स हम आप लोग को बता दें कि कोई भी ये कॉटअप नहीं बता सकता है कि इतना रह सकता है, क्योंकि दोस्तों हम आप लोग को बता दें कि जो स्टेट हैं वो कितने सारे बच्चों को बिना एग्जाम दिलवाए हैं वो पास कराती है। ठीक है दोस्तों, तो काफ़ी अच्छा परसेंटेज से कितने बच्चे जो हैं वो पास हो गए हैं, जो नहीं पढ़ने वाले हैं वो भी पास हो चुके हैं अच्छे परसेंटेज से, और जो पढ़ने वाले भी हैं वो भी पास हो चुके हैं। तो फ्रेंड्स आप लोग को हम बता दें कि इस बार कॉटअप ज़्यादा भी रह सकती है, कम भी रह सकती है, वो डिपेंड करता है स्टेट के ऊपर कि कौन सी स्टेट है जो बिना एग्जाम के अपने बच्चों को प्रमोट कर सीधे पास करा दिए और कौन सी स्टेट नहीं। तो फ्रेंड्स वो स्टेट के अनुसार आप लोग देख लीजिएगा कि कितना कटअप जा सकता है। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही, यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना ना भूले फ्रेंड्स, और यदि वीडियो और अच्छा लगे तो शेयर जरूर करें, और यदि आप मेरे चैनल पर न्यू व्यूअर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। फ्रेंड्स हम आप लोग को ये बता दें कि यदि कोई भी आप लोग का डाउट हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ सकते हैं, हम उसका रिप्लाई जरूर देंगे। तो फ्रेंड्स यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर करें, और यदि आप मेरे चैनल पर न्यू व्यूअर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही, जय हिंद।